नमस्कार, मेरा नाम है सौम्य राठी और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हम पटना के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में खड़े हैं और यहाँ पर लोग अभी से ही जीत के ढोल बजा रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से कि फाइनल रिजल्ट आने में अभी भी कुछ घंटे बाकी है, लेकिन ये जश्न के ढोल इतनी देर पहले से क्यों बजाए जा रहे हैं। तो सर, आप लोगों ने जीत अभी अपनी इसे मान ली है? जीत हमारी पहले से ही सुनिश्चित थी, क्योंकि बिहार की जनता ने जंगल राज नहीं लौटे इसके लिए एनडीए को बीजेपी को पहले से ही अपार बहुमत देके तय की हुई थी कि बीजेपी और एनडीए की ही जीत होनी है। इसलिए हम लोग पहले से ही जीत के लिए आश्वस्त थे। फर्क है ये कि हम बीजेपी के अनुशासित सिपाही हैं, इसलिए हम पहले हुड़दंगबाजी नहीं करते हैं और इसलिए हम देर से ही अपना जश्न मनाना शुरू किए हैं। सर, बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा के ऐसे बहुत से समर्थक हैं जिनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री भाजपा के ही किसी इंसान को होना चाहिए। देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व में जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका जो निर्देश होगा, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश उनको अच्छा से पालन करेगी और उनके कदमों पर चलेगी। अभी महागठबंधन और एनडीए के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है, बहुत सारी सीटों में राजद आगे है, बहुत सारी सीटों में एनडीए अपनी लीड बनाकर जारी है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कुछ ऐसे रुझान आ जाते हैं जिनसे तस्वीर दो घंटे में बदल जाए, ऐसे में भाजपा के जीत के लड्डू बटेंगे या नहीं? देखिए, भाजपा की जीत होनी है, ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं होना है, क्योंकि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव के झूठे वादों को नकारते हुए बिहार में रोजगार की सरकार आए, 19 लाख लोगों को रोजगार देने का बीजेपी ने वादा किया था, वह सरकार आए, इसके लिए मेजोरिटी दिया है, इसलिए वह बदलने की बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि एनडीए, अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि एनडीए भारी बहुमत से बिहार में जीत जाएगी, तो इस बहुमत के लिए श्रेय किसको जाता है, किसने सबसे ज्यादा मेहनत की है एनडीए के लिए? ये बिहार की बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जीत है, बिहार की जनता की जीत है, बिहार की माता बहनों की जीत है। आप कह रहे हैं बिहार में बीजेपी की जीत है, पर एनडीए का पार्ट तो जेडीयू भी है, तो आपको नहीं लगता इस जीत में उतना ही सहयोग जेडीयू का भी है? जेडीयू का भी सहयोग रहा है, जेडीयू हमारी सहयोगी पार्टी है, उनका भी सहयोग रहा है और उन्होंने भी पूरा मेहनत किया है बिहार को संवारने में। आप मुझे ये बताइए कि लोगों का ये कहना है कि ये मुमकिन है कि भाजपा अपना ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार सामने लेकर आती है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, इस बात में कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल दिग्भ्रमित करने वाली बात है, ये दो भाई को लड़ाने का एक साजिश है, मैं इसको नकारता हूँ। चलिए, मैं अब आप लोगों से जानना चाहती हूँ, सर पहले आप ही मुझे ये बता दीजिए कि इस बार भाजपा के नेताओं ने बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए हैं, पर बड़े बड़े वादे तो अक्सर यहाँ होते ही रहते हैं, तो क्या इस बार ऐसा होगा कि एनडीए के वो नेता जो अपने वादे पिछले 5 सालों में पूरे नहीं कर पाए हैं, वो इन 5 सालों में पूरे करेंगे? बिहार में बीजेपी ने जो कहा है वो करने का काम किया है। आप उल्टा के विकास की बात करना चाहते हैं तो आप देखिए, पूर्व की 15 सालों की सरकार में बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, रंगदारी उद्योग चलता था, पर बिहार में जब एनडीए की सरकार आई, नीतीश जी, सुशील कुमार मोदी, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार जब आई, तो बिहार में विकास होने का काम हुआ है। आप देखेंगे चुनाव के पहले भी बिहार में 5 बड़ी परियोजनाओं को नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में देने का काम किया है। बिहार का बेटा जिस तरह नरेंद्र मोदी जी को अपनी सर आंखों पे रख रहा है, नरेंद्र मोदी जी बिहार को भी अपने हाथों पे बैठा करके बिहार को तरक्की पे ले जाने के लिए दिन रात किए हुए हैं और बिहार में निश्चित तौर पर बिहार में बदलाव होगा, बिहार में विकास की रफ्तार तेज होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आप सर इतना नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि इस बार चुनाव में सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने बिहार के जो मुद्दे हैं उनसे ज्यादा केंद्रीय सरकार के जो मुद्दे हैं उनको, उन पर ध्यान दिया था? देखिए, बिहार में जो बिहार की सरकार थी वो तो अपने स्तर से काम कर रही थी, बट केंद्र की सरकार की जितनी योजनाएं थी उनको भी धरातल पे उतार करके बिहार को संवारने का काम किया गया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है केंद्र में, तब से बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार पहले होता था वो होना बंद हुआ और बिहार तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ने का काम शुरू किया। तो चलिए, इस वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही, हम इस पार्टी ऑफिस में बने रहेंगे और आप लोग, आपको भाजपा के हर जश्न की लाइव अपडेट दिखाते रहेंगे। मैं हूँ सौम्य राठी, कैमरे के पीछे खड़े